आप लोग तो अभी बहुत कमाए होंगे दीपावली पे। अभी नहीं है। नहीं। पत्नी का पैसा, पति का पैसा और पति का पैसा पति का नहीं। वैसे तो बहुत अच्छी दिख रही है, लगा खाने में भी अच्छा लगेगा। हाँ, मॉर्निंग गाइस, बहुत अच्छा। अब मम्मी गई है नहाने के लिए। मैं तो बस सिर्फ अपना वो पूजा कर लेती, उसके बाद आगे अपना मम्मी करती रहती है, फिर मैं नहीं करती। फिर अपना जो होता है मम्मी करता है, कान्हा का भोग लगाती है, नहाती है, सारा कुछ करते हैं। मैं नहीं कुछ करती हूँ, बस मैं सिर्फ अपना पूजा करती हूँ, हो गया बात खत्म। के 9 बज रहे हैं। धूप देखिए, बहुत खिला खिला धूप आ गया है। रात में जो फटाका से जो छूटा है उसका पॉल्यूशन देखिए, ऐसे ही पता चल रहा है। बहुत ज़्यादा धूप आ गया है और गर्मी भी बहुत ही लग रही है। इतना गर्मी नहीं, लेकिन अभी भी पॉल्यूशन की वजह से बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप। इतना दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, जो दिवाली आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। दिवाली भी अब चला गया। अब 6 दिन बाद छठ पूजा भी होके छठ पूजा भी खत्म हो जाएगा। तुम आदमी कितना इंतजार करता है, तो दीपावली का आदमी कितना साफ सफाई झाड़ वाड़ सब कुछ करती है। बस एक दिन का खेला है, सारा खत्म। छठ पूजा का आदमी 2 महीने से वो पूरा इंतजाम करता रहता है, बस 2 दिन में ख़त्म। खाना खाने के लिए जाओ छठ पूजा के सुबह में तो क्या मिलता है, भात दाल पकौड़ा सब यही से मिलता है। आदमी कितना इंतजार करता रहता है उस चीज़ का, बस वो चीज़ आता है, आदमी जिसका तसरा जाता है और वो चीज़ होके चला जाता है। 3 बजे रात तक तो फटाका से फिर यहाँ पे छूट रहा था, हम लोग 1 बजे में आके सोए हैं। इतना दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे, जो दिवाली आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। दिवाली भी अब चला गया। अब 6 दिन बाद छठ पूजा भी होके छठ पूजा भी खत्म हो जाएगा। तुम आदमी कितना इंतजार करता है, तो दीपावली का आदमी कितना साफ सफाई झाड़ वाड़ सब कुछ करती है। बस एक दिन का खेला है, सारा खत्म। छठ पूजा का आदमी 2 महीने से वो पूरा इंतजाम करता रहता है, बस 2 दिन में ख़त्म। खाना खाने के लिए जाओ छठ पूजा के सुबह में तो क्या मिलता है, भात दाल पकौड़ा सब यही से मिलता है। आदमी कितना इंतजार करता रहता है उस चीज़ का, बस वो चीज़ आता है, आदमी जिसका तसरा जाता है और वो चीज़ होके चला जाता है। मेरे पतीला दबा है, मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसकी वजह से मुझे ये खाना पड़ता है। तो ये 3 टाइम खाती हूँ, एक है जो 2 टाइम खाती हूँ। तो ये सुबह दोपहर शाम, शाम को ही खाना, रात को फिर नहीं खाना है, तो इसलिए मैं भी खाऊंगी, फिर मैं एक और खाऊँ। ये तो बिल्कुल मेरे पीछे पड़े रहते हैं, दवाई खाई दवाई खाई दवाई खाओ दवाई खाओ करते थे। अभी भी यही याद दिलवाए दवाई। भाई दूज के दिन भाई सबको ये खाना बनाना पड़ता है। जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन सब खाना बना करके खिलाती है, तो भाई दूज के दिन भाई सबको खाना बना करके खिलाना पड़ता है। ऐसा आपको खिलाना पड़ेगा, आप कैसे भी खिलाओ। बोलते ऐसे रहे जैसे मुझे पता ही नहीं है, 28 साल से मैंने देखा ही नहीं भाई दूज। 28 साल का सबको नहीं पता होगा, कभी मैं आई हूँ, नया नया रिवाज से निकला। नया नया रिवाज, अच्छा आपके आने से नया रिवाज। हाँ तो मम्मी से पूछो, मम्मी को भी पता है ये बात। मम्मी कुछ नहीं पता है। रक्षाबंधन उठ मैंने 4 बजे सुबह में खाना बनाई थी मैं सबके लिए। मैं तो बोलता हूँ भाई दूज की तैयारी आज से चालू कर दो आप, खाना बनाना चालू कर दो, सब कटिंग शटिंग लिस्ट बनाना चालू कर दो, बनाना आपको ही है। तो भोज आपको करना पड़ेगा, और होगा तो अगल बगल के 2 भैंस को बुला के ले। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत होशियार होगा। तो यही तो होशियारी है। नाना बाबा आए थे तो ये गोड़ लगाए में मेरे को 205 रुपया दे के गए हैं, और ये पैसा मेरे पति के थे, ले लिए थे अपने मनमर्जी। ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए, ये सब गलत बात है। पत्नी का पैसा, पति का पैसा और पति का पैसा पति का नहीं पता। देख लिए ना, देख लिए, यही से बोलते हैं, यही है पति। अब पति 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 मतलब पति पति दोनों बोलूंगी। मम्मी के लिए मैं बोली थी तो नहीं, और मम्मी कैसे बोल दी यहाँ डोला ले। मम्मी का हक है कि मम्मी कपड़ा के लिए पैसा दे, खिलौना के लिए पैसा दे छोटे बच्चों को, ठीक है। मेरी सिर्फ हाइट बढ़ गई है, मैं हूँ छोटा बच्चा ही, ठीक है। मम्मी ही पैसा देगी हर चीज। हाँ तो शादी क्यों की है, जब छोटे बच्चे हैं तो शादी नहीं ना करना चाहिए। बाल विवाह कराया है जरूर, आपको क्या पता है। अच्छा भाई ये मैं सारी सूट के भरोई तो वो सूट क्या है उसको मैं रखूँगी बॉक्स में, क्योंकि अभी रखती हूँ तो साड़ी से निकालना बाकी है तो फिर निकालूंगी। निकालूंगी तो अच्छा रहेगा, पूरा पता चलेगा। अभी मैं अपने मम्मी भाभी सबसे बात कर रही थी। भाभी सबसे बात करने के बाद एक मेरी सिस्टर है साक्षी, उससे मेरी 6 महीना बाद के हो गया था, तो फिर मैं उससे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। ये आज अभी तक भूखे हैं, इनको आज भूखी रखी हूँ, आज खाना नहीं मिलेगा इनको। पूछ रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, कोई वो है क्या बनाओ यार बोलो ना। फोन पहले बंद करो, घर का खाना खाने का मन ही नहीं है। हाँ तो बस मंगवाइए और खाइए, खाइए मंगवाइए ना कुछ। दीपावली दिवाली के प्राप्त होके कोई भी घर में खाना बनाते होंगे नहीं, क्यों बनाएंगे भाई। होटल से आना चाहिए सबको, सबको छुट्टी मिला है ऑफिस से, तो भाई सबको छुट्टी मिलना चाहिए ना। घर की लेडीज़ को भी छुट्टी मिलना चाहिए। तो अगर किसी भी लेडीज़ को भी छुट्टी ना मिलता होगा तो वो अपना आराम से फैन चालू करके सो जाए। सोचेंगे अपना जेंट्स जो उनको क्या खाना पीना होगा और क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं। जब ऑफिस का काम रहता है तो लंच बनाओ, तो जीन्स निकाल के दो, टी शर्ट निकाल के दो, बेल्ट निकाल के दो, हैंकी निकाल के दो, ये सब टोटल लेडीज करे। तो लेडीज को भी तो मिलना चाहिए ना छुट्टी अच्छे से। वो तो मैं तो लेती हूँ छुट्टी, मैं तो बस बोल दी मैं नहीं करूँगी तो मैं नहीं करूँगी, बस हो गया। अगर फ़ोन रख देंगे तो सारा काम खत्म, हाथ में फ़ोन ले लेंगे तो काम सब स्टार्ट हो जाता है, खत्म हो गया बस। अब काम नहीं है बस। अरे दिवाली में लोग घूमने जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं यार, वही सब वीडियोस देख रहा था मैं, और हम लोग घर में बैठ गए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो क्यों नहीं, लेकिन फर्स्ट शादी हुई है ले जाना चाहिए। लेकिन जाएंगे जाएंगे बहुत अच्छी जगह जाएंगे, अच्छा ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आज से पहले करोड़ों लोग गए होंगे। अच्छा अभी अब हम लोग सोच रहे हैं सोमनाथ द्वारका जाने का, देखते हैं जो क्या होता है, उसका टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। टिकट मिलेगा तो फिर मैं, ये मेरे पति, मेरी ननद, मेरे जीजाजी, मेरे भांजे 5 जन जाएंगे। ये मम्मी लोग आई है मार्केटिंग करके, डीमार्ट गई थी। डीमार्ट से देखिए ये सामान सब लेकर के आई है, छठ पूजा भी आ गया तो मम्मी लोग आई है शॉपिंग करके, उधर से चली गई अपनी भाभी से मिलने के लिए भी। देखिए पास में रहने से कितना फ़ायदा है, उधर जाओ तो अपनी भाभी वगैरह सबसे मिल करके आ जाना चाहिए। ये मेरी मम्मी सुबह सुबह झाड़ू लगाई थी, पोछा भी लगाई थी, और दोपहर में जो नहीं लगाई उसकी वजह से देखिए आपको कितना कचरा आ गया। मेरे घर में इतना गंदा लग रहा था पूरा घर, जो क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही कचरा होता है, इसलिए तो 3-3 बार पोछा लगाना पड़ता है। क्या करूँगी, नहीं जो लगाऊंगी तो पूरा ऐसे गंदा रहेगा, गंदा रहेगा तो कभी भी कोई भी आता है यहाँ पे तो कितना खराब लगा जो हाँ घर में रहती है लड़की। और लड़कियों को ये सब काम करना शोभा भी देता है, करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं। क्यों ऐसा नहीं है, क्यों नहीं होगा। अच्छा हाँ क्यों नहीं है, इसीलिए मेरे को अभी झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा भी लगाना जरूरत है क्योंकि बहुत गंदा है, पूरा बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। बस एक दोपहर में जो नहीं लगाई हूँ इसकी वजह से देखिए कितना गंदा है मेरा घर। सो के मैं उठी हूँ, बस मम्मी चाय बना के रखी थी, चाय पी हूँ, और मम्मी लोग गई है किसी दोस्त के घर पर मिलने के लिए, उनसे हम लोग उठा जाएंगे बाहर, जिसमें जल्दी जल्दी करके निपटा के। आप लोग को अभी इतना फेस दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है, अंधेरा की वजह से नहीं कुछ दिख रहा है। तो अब आप लोग को मैं मिलूंगी स्टॉल पे जाके से, और बताऊंगी क्या सब खाते पीते, क्या सब खिलाते। खिलाने में तो बहुत अच्छे हैं, खिलाने में तो आप इतना भी खा सकते हो, आप ही नहीं खा पाओगे, खिलाने में तो बहुत अच्छे हैं, मगर दिलवाते कुछ नहीं है। बस दिलवाते भी हैं वही, लो 2-4 महीने पर कुछ ले लो तो फिर सही। क्या हुआ, तीखा लग गया क्या, है तीखा लगा कि टेस्टी लगा। टेस्टी लगा, तीखा भी लगा। ये देखिए ये हम लोग आए हैं पनीर की दुकान पे पनीर खरीदने के लिए। ओ भैया आप लोग के अभी कैसी बिक्री चल रही है त्योहार के कारण, अच्छी बिक्री, अच्छा चल रहा है ना त्योहार में, तो ये तो सब फायदा उठाते हैं बहुत अच्छे से। हम लोग आए हैं मटर लेने के लिए। मटर लेके फिर घर जाऊंगी। तो फिर अंकल आप लोग तो अभी बहुत कमाए होंगे होली पे, जब वो दीपावली पे नहीं दीपावली बुला गया, निकल गया मुंह से। ये देखिए दुकान भी बहुत बड़ी है। आज पनीर का सब्जी ये बना रहे। वैसे भी पनीर जब आता है तो यही मटर पनीर, अभी पनीर ही काटे वो सब मैं काट के रखती हूँ। प्याज लहसुन टमाटर ये सब जब भी आता है पनीर वगैरह तो यही बनाते हैं। तो आगे का रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी जो ये कैसे बनाते। ये देखिए मेरे पति सब्जी बना रहा है। दिखने से तो बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर नहीं अच्छा बना होगा तब तो मैं नहीं खाऊंगी। अगर अच्छा बना होगा तब तो फिर मैं बहुत में खा लूंगी। अच्छा हाँ, तो दिखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है, सेंट भी बहुत अच्छी चल रही है। अब देखते हैं तो कैसा बनता है। होटल जैसा बनाया, जैसे होटल रेस्टोरेंट में मिलता है। अच्छा तो खाने के बाद ही पता लगता है जो कैसा बनता है। दिखने से तो अच्छा लग रहा है, खाने से अच्छा ही लगेगा अगर दिखने से अच्छा लग रहा है तो। सब्जी दिखने में, सब्जी दिखने से तो बहुत अच्छी दिख रही है। लगा मैं ही टेस्ट करूंगी क्योंकि मम्मी पापा गए हुए हैं मार्केट, तो उन लोग को टाइम लगा आने में, तो मेरे से बर्दाश्त होगा नहीं। तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ जो कैसा बना हुआ है। सेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है। सब्जी तो यार बहुत टेस्टी बना हुआ है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसी में कढ़ाई में जाकर, सच में बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना हुआ है। बस बना अब मैं लेकर के बैठी गई। बहुत टेस्टी बना हुआ, बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना। एक रेस्टोरेंट खोल ले क्या, नहीं तो ठेला, नहीं तो रेडी लगा लेते हैं। 80 रुपया प्लेट बेचेंगे। अब खाना खाना है कि नहीं खाना है? खाऊंगे तो। तब मेरा रात का खाना हो गया है। तो रात तो दिखाई थी, बना था मटर पनीर का सब्जी, चावल रोटी। फिर मम्मी उधर से मंचूरियन लेकर के आई थी तो वो सब खाई हूँ। खाना पीना खा के बर्तन सब साफ़ करी। बर्तन सब साफ़ करने के बाद गैस वगैरह साफ़ की। अब मैं आई हूँ रूम में। तो रूम में अब पहले मैं कपड़ा चेंज करूँगी। कपड़ा चेंज करने के बाद फिर कपड़ा मैं रात को ही धो लेती हूँ। मशीन है बट फिर भी मैं अपना साल में खुद से मैं धो लेती हूँ, वो सब धोऊँगी। इधर बाहर में तो अभी बहुत सारा फटाखा वगैरह छूट ही रहा है। ऐसी आवाज़ आता रहता है, इसलिए नहीं कुछ कर पाती। बहुत देखिए अभी भी आवाज़ आ ही रहा है, बहुत ज़्यादा ही आवाज़। जो मैं वीडियो में बनाई हूँ वो तो मैं कल में डालूँगी ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए। चैनल को देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पर अगर मिस्टेक मेरे से हो रहा है तो आप कमेंट में आप बताइए मुझे, जहाँ मुझे कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, चाहे कुछ वो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कीजिए, मुझे बताइए जहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अगर कहीं भी मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग भी बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आपका मिस्टेक है, चाहे कुछ भी। तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट सब आदमी को। तो फिर मिलते हैं कल सुबह।